guys, welcome to Floptimus DTH. Double trouble hit. Don't forget to subscribe. And happy winters. Merry Christmas to you and your beautiful family. And in advance, happy new year. And I'm so sorry, guys. I'm so sorry ki I'm irregular with my videos. और उसके लिए माफी मांगते हैं हम. और मैं आप लोगों को और एक चीज बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच क्योंकि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी वाला जो वीडियो मैंने बनाया था वो बस मेरी एक फ्रस्ट्रेशन थी. एंड यू गाइज आर ऑसम. आई जस्ट लव यू ऑल. लाइक जो रिस्पॉन्स दिया है आप लोगों ने मुझे, एक्चुअली में लाइक 1.9K उसमें इतने व्यूज आए हैं. मेरा कोई वीडियो उस पर नहीं गया है ब्रो. लाइक इतने जल्दी इतने स्पीड में 4 दिन के अंदर अंदर, दैट्स ग्रेट फॉर मी. थैंक यू सो मच. तो आज का वीडियो है पीरियड्स के ऊपर कि लाइक लड़कियां कैसे अपने पीरियड्स को अपने दोस्तों को बताती है जब वो पब्लिक में होती है, फिर पैड कैसे मांगती है, वो थोड़ा सा ऐसे बताने के लिए. सो लेट्स प्रोसीड टू द वीडियो एंड थैंक यू सो मच. लव यू शिवा. सुनो शिवा ब्रो, टंकी फूट गई है, प्लम्बर आया है. तेरे पास है क्या पेचकस या लाइक स्क्रू ड्राइवर? टंकी कहाँ की फूटी? प्लम्बर? मेरे पास कैसे ये सब टूल्स होंगे उन्नति? शिवा हर महीने तो आते हैं ना प्लम्बर, है ना? हर महीने आते हैं प्लम्बर, तो है क्या पेचकस या कुछ टूल्स? तू एक काम कर, तू ना प्लम्बर ही चेंज कर दे. यार तेरे हर महीने टंकी फूटती है, पानी कैसे जमा होता है यार? लाइक कोई अच्छा प्लम्बर देखना. हाँ हर महीने कैसे कहता है टंकी फूटती है, पागल कहीं की. टंकी फूटती है, प्लम्बर, मंथली, आई मीन टू से पीरियड्स मीन्स प्लम्बर. तेरी हर महीने टंकी फूटती है. ओके प्लम्बर मीन्स पैड जो रिपेयर कर रहा है. सीधे सीधे पीरियड्स ही बोल देती. जानवी सुनना, वो जैम आ गया है, ब्रेड देना. तूने यहां जैम कहां से लाई? और जब जैम लेके आई तो रोटी या ब्रेड खुद लाना चाहिए ना. मेरे पास ब्रेड कहां से होगा? मुझे कहां से पता कि तू जैम लेके आ रही है? अरे यार बुद्धू, यार हर महीने तो जैम आता है, हर महीने तो ब्रेड की जरूरत होती है ना? तो हर महीने जैम ब्रेड क्यों खाती है? महीने में सिर्फ लाइक 4 दिन जैम ब्रेड खाती है. हर महीने है ब्रेड, जैम, जैम का कलर रेड, ब्रेड का कलर व्हाइट, रेड व्हाइट, मंथ मंथ मंथ, रेड व्हाइट, मंथली जैम ब्रेड, मेंस्ट्रुएशन. ची डिस्कस्टिंग उन्नति. लाइक पीरियड्स को तू खाने के साथ क्यों जोड़ रही है? अब सही बोली, मैं वही बोलना चाहती थी. हे यमिक्षा, हाय गर्ल, यू नो टुडे इज माय बर्थडे. उन्नति तेरा बर्थडे मार्च में आता है ना? यस आई नो कि मेरा बर्थडे मार्च में आता है, पर इट्स अ मंथली बर्थडे. लाइक हर महीने बर्थडे? इधर पहले मंथली बर्थडे करते हैं भाई, अब मंथली एनिवर्सरी,
हर महीने एनिवर्सरी रहता है ये कपल लोग का, वीकली एनिवर्सरी, मंथली एनिवर्सरी। अरे बाबा तुम लोग का क्या करते हो रे, अब तेरे को भी करने गए मंथली बर्थडे, डिस्गस्टिंग। आई मीन टू से इट्स माय पीरियड्स ब्रो, 4 days, मंथली बर्थडे, ऑल क्लीन अप, ऑल डेड, फॉर इन बेड, व्हाट आई एम सेइंग, इट्स ऑलरेडी डेड। या द पेन ऑफ, ऐसा बोला तू अशुद्ध है, तेरे को शुद्ध होने का है, हैप्पी बर्थडे। बहुत ओवर एक्टिंग करती है रे बाबा ये, बहुत ओवर एक्टिंग। सो दैट इज इट फॉर टुडे, बिकॉज लाइक और भी नाम है, जैसे कि बोलते हैं आई हैव 4 days ऑफ मूड स्विंग्स, और मुझे 4 दिन की भूख लगी है, मतलब मैंने सुना है यार। और अगर मैं कुछ और छोड़ रही हूँ जो आप लोग बोलते होंगे गर्ल्स, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मुझे एक्चुअल में जानना है कि और क्या क्या बोला जाता है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और ये जो प्लम्बर वाला है ना, मैंने कहीं से नहीं सुना था, ये प्लम्बर वाला जो था इट्स माई क्रिएशन, और कोई बोलता है तो आई डोंट नो, मैंने कहीं नहीं सुना था सच में ऑनेस्टली। ये मैंने एक दिन मम्मी को ऐसे बोल दिया था कि लाइक प्लम्बर, मतलब टंकी फूट गई है प्लम्बर चाहिए। सो एंड गाइज प्लीज बॉयज एंड गर्ल्स, स्पेशली बॉयज, पीरियड्स बहुत गंदी चीज नहीं है। अब आप लोग पता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, आधे लोग जो वहां देख रहे हैं वो लड़कियों को पूछते हैं कि व्हाट इज पीरियड्स, क्या होता है उसमें। तुम लोग गूगल से भी पूछ सकते हो यार, तुम लोग को आधी चीजें पता होती है, तुम स्टिल लड़कियों से सुनना चाहते हो, लाइक लड़की के मुंह से। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, पीरियड्स में कुछ बुरा नहीं है और कोई अशुद्ध वगैरह नहीं है, उसी के कारण गर्ल्स माँ बनती है। वो जो दर्द है बहुत बहुत ज्यादा गंदा होता है, बहुत दर्द होता है उसमें, किसी को दर्द होता है किसी को नहीं होता है, कोई लाइक 4 दिन के लिए बेड में होता है, किसी को 4 दिन के लिए होता है, किसी को 5 दिन के लिए होता है, कोई 1 हफ्ते तक के भी चलता है किसी का। सो इट्स डिपेंड बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन। एंड यस, एवरी टाइम यूज पैड गाइज, प्लीज यूज पैड, नेवर यूज व्हाट कपड़ा एंड ऑल, बिकॉज क्लोथ से होता ही है कि आपको वहां पे इचिंग हो सकती है, वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है इफ आप उसको अच्छे से साफ नहीं कर रहे हो, बिकॉज दैट स्टेट ऑफ ब्लड। तो बस इतना बोलना चाहती हूँ, यूज सैनिटरी नैपकिन्स और इसे अच्छे से फेंकिए, प्लीज इसे टॉयलेट में ना फेंकिए ऐसे जस्ट डंप इट, क्योंकि बहुत गंदा लगता है। अगर आप ही समझो वॉशरूम जा रहे हो और वहां पर आपको ब्लड वाला पैड मिल गया, कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगता है ना। सो गाइज प्लीज इसे रोल कीजिए, इसको कागज में फोल्ड कीजिए एंड देन उसको डस्टबिन में डालिए, ताकि जो साफ कर रहा है उसको भी गंदा ना लगे। लेकिन इसकी स्मेल, जैसे वो स्मेल आती है वो आप लोग जानते हो, जस्ट डिस्गस्टिंग। सो प्लीज गाइज, सामने वालों को भी सोचो, इधर उधर पैड मत फेंको, प्रॉपरली इसको रैप करके पेपर में एंड देन इसको डस्टबिन के अंदर डालो प्लीज, ओके। सो दैट इज क्या बोल रही थी अब, मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोलने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल। कैमरा मैन लूबो के साथ मैं उन्नति आपसे विदा लेती हूँ, सायोनारा कोंचिनो साबियाना चाओ आस दाला वास दा, सी या बाय, लव यू ऑल।